हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कलाम को सलाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आजकल पढ़ रहे हैं एक्सेल और बिगिनर के लिए, जो बिल्कुल शुरुआती एक्सेल से बहुत छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल रही है। आई होप आपको समझ में भी आ रही होगी। तो आज हम देखते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज के साथ साथ हम डेट और मंथ का फॉर्मूला भी देखेंगे। पहले शुरू करते हैं परसेंटेज के सीधा सिंपल वे में। जैसे आपके मार्क्स है 500 में से आपको 350 मार्क्स मिले, आप कैसे निकाल दो? 350 को 500 से भाग करके इनटू 100 करते हो ना। सिंपल सिंपल इसमें भी यही करना। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्या करना है, इक्वल टू लगाओ जैसे हम ऑलरेडी लगाते हैं। 350 को ऊपर रखा, डिवाइड का साइन लगाया और 500 को नीचे किया और एंटर कर दिया। ये देखिए आपके 70% मार्क्स। कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाया, 350 को ऊपर किया, भाग का साइन लगाया यानी डिवाइड का साइन, 500 को नीचे रखा और एंटर कर दीजिए। ये देखिए कभी कभी ये क्या करेगा, आपको पॉइंट में दे देगा। अब इस पॉइंट को आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी है कोई आपका क्या नाम, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ये देखिए यहाँ पे आपको होम में इधर, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कि आपको परसेंटेज कन्वर्ट कर, कोई डिफिकल्ट। जैसे मैंने हमने कल एक चीज नोट की थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। जैसे आपको कोई भी नंबर कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो इसमें भी परसेंटेज निकालने के लिए बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज कीजिए मेरे 250 मार्क्स हैं, और कितने में से है, 500 में से है, ठीक है, सॉरी कितने डिवाइड कर दिया, इक्वल टू लगाओ 250 मार्क्स डिवाइडेड बाय 500 और एंटर कर दीजिए। फिर बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट परसेंटेज। देखिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी है, मैंने 250 मार्क्स है मेरे, मैंने डिवाइड किया 500 से और इक्वल टू लगा के मैं एंटर किया। ये देखिए 0.5 दे दी इसमें। जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, आपका 50% आपको परसेंटेज का साइन लगा के दे दे। दोस्तों ये था आपका परसेंटेज का फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं डेट और मंथ का फॉर्मूला कैसे होता है। तो दोस्तों अभी हमने परसेंटेज का फॉर्मूला देखा है, अब हम देखते हैं डेट का फॉर्मूला। डेट का फॉर्मूला होता क्या है, सपोज ये देखिए आपके पास एक सीरियल नंबर, एक ईयर मंथ और डेट की टेबल बनी हुई है। तो अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि कौन सी डेट थी, ये चीज आपकी कॉल सेंटर वगैरह में बहुत काम आती है कि डेट मंथ वगैरह दे रखी है और हमको निकालना है कि क्या नाम कौन सी डेट थी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। मेरे को यहाँ पे चाहिए, वही सेम इक्वल टू लगाया, डेट किया, टैब ओपन किया। अब देखिए ये पहले कह रहा, क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, जैसे आपने उसका सिंटेक्स टाइप किया, नीचे वो आपको दिखा देगा कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है ईयर, मैंने ईयर सिलेक्ट किया, उसके बाद कह रहा है कॉमा लगाओ, मैंने कॉमा लगाया, वो देखिए वो सेल फिक्स हो गया। फिर कह रहा है मंथ सेलेक्ट कीजिए, मैंने मंथ सेलेक्ट किया। फिर कह रहा है कॉमा लगाइए, मैंने कॉमा लगाया। फिर कह रहा है डे सेलेक्ट कीजिए, मैंने डे सेलेक्ट किया और मैंने ऐसे ब्रैकेट बंद करके एंटर किया। ये देखिए 3 तारीख मार्च की 1910 की है, ठीक है। सेम वे में अगर हम क्या कहते हैं फंक्शन, उसे कहते हैं हम फॉर्मूला बार से, इंसर्ट फंक्शन से करें, इंसर्ट फंक्शन किया, मैंने यहाँ पे लिखा डेट, गो किया, डेट आ गया, मैंने ओके किया। ओके करने में पहले कहेगा ईयर, मैंने सपोज कीजिए ये वाला लिखा 7 ईयर सेलेक्ट किया। उसके बाद कह रहा है मंथ, मैंने मंथ सेलेक्ट किया। उसके बाद कह रहा है डे, मैंने डे सेलेक्ट किया और ओके कर दी। ये देख 24 तारीख है उसकी, अप्रैल की 1907 की, ठीक है। अब ये डेट का फॉर्मूला, आपकी डेट ऐसे आ रही है, सपोज समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, राइट क्लिक, यहाँ आता है फॉर्मेट सेल, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आपकी विंडो ओपन होगी। थैंक यू लगा, ये देखिए मैं यहाँ लिखा डेट। अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, ये देखिए कौन सा दिन, देखिए वेनसडे अप्रैल 24 था 1907 का। ऐसे आप इसकी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में। आप यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाके जैसी भी आपकी इच्छा है, जिस भी फॉर्मेट में हम देखना चाहते हैं, देखिए 24 मार्च, ये कैसे भी फॉर्मेट में जैसे भी आप इसको देखना चाहते हैं आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे अगर इसको करूँ, ये देखिए 3 मार्च, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा डेट का फॉर्मूला, इसके साथ हम दोस्तों अभी हमने देखा डेट का फॉर्मूला, अब हम देखते हैं मंथ का फॉर्मूला। मंथ के फॉर्मूला का मतलब क्या है,
मतलब ये जैसे 1 जनवरी 2010 है, खाली 10 लिखा 2010 है, मेरे को देखना है कि ये मंथ कौन सा था, मंथ कौन सा था। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेम कुछ नहीं करना है, सिंटैक्स लिखिए इक्वल टू डेट में डेट लिखा था, मंथ में मंथ लिखा था, मंथ टैब दबाए ब्रैकेट साइज लिखा, सीरियल नंबर सिलेक्ट कीजिए, हमारा सीरियल नंबर ये है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये देखिए वन आया। और इसके साथ करना है सेम इक्वल टू लगाया अमाउंट मंथ टैब किया और इसको सेलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, सॉरी इक्वल टू अमाउंट मंथ टैब किया सेलेक्ट किया ये ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये देखिए आपका अगस्त का कौन सा महीना था, 8वां। और एक चीज और है, जैसे आपको आज की डेट देखनी है कि आज की डेट कौन सी है, एक्सेल में बहुत इजी है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाइए, ये देखिए 2020 एंटर करेंगे ना, देखिए मंथ इसने अपने आप चेंज कर दिया फरवरी। सेम तरीके में अगर आपको फंक्शन से करना है, ये देखिए फॉर्मूला बार इंसर्ट फंक्शन, मैंने यहाँ पर देखा मंथ गो किया, गो करने के बाद मैंने ओके किया, ओके करने के बाद क्या किया सीरियल नंबर सिलेक्ट कीजिए, मैं करता हूँ यही वाला और ओके किया, देखिए 2 आ गया। तो दोस्तों ये था आपका मंथ का फॉर्मूला। तो आज हमने 3 फॉर्मूले किए।